हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद अर्चना गोयल पे। आज हम बना रहे हैं टूटी फ्रूटी नटी केक। तो आइए उसको शुरू करते हैं बनाना, और उसके लिए जो जो भी सामान चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जितना जितना मेजरमेंट उसमें होगा। हमें जो जो भी सामान चाहिए वो मैंने सब एक जगह इकट्ठा कर लिया है। तो अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं अपना टूटी फ्रूटी केक। तो टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैदा लिया है। मैदे को हम छान लेंगे, इसके अंदर हम अपने सारे ड्राई सामान मिला देंगे। ये हमारा है बेकिंग सोडा, ये हमारा बेकिंग पाउडर। ये कितना कितना डाल रही हूँ ये आपको मैं सब लिखित में आपको बता दूंगी। ये हमारा है मिल्क पाउडर, जो भी हमारा सूखा सामान है इसको हम सबको एक जगह छान कर अलग रख लेंगे। पहले ये हमने सारा सामान छान लिया है, मैंने इसको दो बार छान लिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड करती हूँ। अब मैं थोड़ा सा एक भगोना या बड़ा बर्तन लेकर के मैं थोड़ा सा भी इसलिए ले रही हूँ कि सारा मेरा मिश्रण इसमें ही बन जाए। अब मैं इसके अंदर अपनी ये पिसी हुई चीनी भी छान रही हूँ। चीनी को आप जब भी यूज करें एक बार जरूर छान के यूज करें, क्योंकि नमी के कारण उसमें लम्स पड़ जाते हैं और फिर वो जब हम केक खाते हैं तो कई जवार हमारे घुलते नहीं है और काटे काटे भी केक आती है, तो इसलिए आप उसको एक बार छान करके ही यूज करें। देखिए अब ये जो थोड़ी मोटी मोटी सी एनपीसी से चीनी रह गई थी, पार्टिकल्स रह गए थे, ये हमने अलग क्लीन कर ली है, निकाल ली है। अब इसको मैं अपना मेजरमेंट का ऑयल डाल दूंगी। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, मलाई ले सकते हैं, लेकिन मैं इस समय ऑयल ले रही हूँ क्योंकि सर्दियों में ऑयल ज्यादा अच्छा रहता है, बटर का केक आपका जम जाता है। अगर आपके पास हैंड विस्कर है तो हैंड विस्कर की सहायता से, और नहीं तो ऐसे विस्कर की सहायता से इसको आप ब्लेंड कर लीजिए, अच्छी तरह से क्रीमी कर लीजिए। तो मैं इसको हैंड विस्कर की सहायता से बीट कर रही हूँ। ये हमारा अच्छे से फिट गया है, 3-4 मिनट मैंने इसको फेंट लिया है, अच्छे से क्रीमी हो गया है। अब इसमें हम अपना वेनिला एसेंस, एक टीस्पून से 1.5 टीस्पून डाल रही हूं मैं। और हाँ, इस बीच में इसको आगे का प्रोसीजर जब तक मैं करूंगी तब तक मैं आज इसको इस तरह के ग्लासेस में, जो टी ग्लासेस आते हैं इसमें बनाऊंगी, और एक ही हमारा टीन है 7 इंच का इसमें बनाऊंगी। तो इन दोनों को बना करने के लिए मैंने इनको ग्रीस करके रख लिया था, पेपर लगा के ग्रीस कर लिया है, इनमें भी हल्का सा ग्रीस कर लिया है। और इस बीच में मैं अपनी एक को मैं बना रही हूँ, कप्स को मैं बना रही हूँ कढ़ाई में, तो मैं कढ़ाई को प्री करने के लिए रख देती हूँ, और अपने ओटीजी को भी प्रीहीट करने के लिए लगा देती हूँ। दस मिनट के लिए मैं इनको प्रीहीट करने के लिए लगा दे रही हूँ। इसमें मैंने डाला था वेनिला एसेंस डाल करके, और एक चुटकी मैं इसमें नमक भी डाल रही हूँ। हल्का सा मिक्स कर लूंगी। अब जो हमारा ये सूखा मिश्रण है इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके 3 बार में डालूंगी, 3 से 4 बार में।
अपना देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो मैं अपने साथ साथ दूध का भी इस्तेमाल करूंगी। सारा सामान एक साथ नहीं डालेंगे और सारा दूध भी एक साथ नहीं डालेंगे। कई बार मैदा थोड़ा दूध पीता है, कई बार ज़्यादा पी लेता है, तो हमें अपने मिश्रण का ध्यान रखना है। जितना मेजरमेंट बताया जाता है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब ये हमारा अभी बहुत गाढ़ा है, तो मैंने जितना दूध लिया था ये हमारा डल जाएगा। ये हमारा लम्स फ्री बैटर बनकर तैयार हो गया है। हाँ, इस मशीन को निकालने के लिए मैंने हमेशा बताया है कि जब आपको इसको मशीन को निकालना है तो अंदर से एकदम बंद करके मत, बंद करके आप निकालेंगे तो देखिए कितना मिश्रण हमारा इसी पे लगा रह गया है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके ऐसे करके ऑन में ऊपर करके जाएंगे तो हमारा मिश्रण सारा खाली हो जाएगा और हमारी मशीन भी साफ हो जाएगी, बिल्कुल लम्स फ्री। हैंड विस्कर से थोड़ा टाइम लगता है और इससे हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस ये इसको हम दो तीन बार कट एंड फोल्ड के मेथड से मिक्स कर लेंगे। हाँ, अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा कोई कलर डालना चाहें तो आप कलर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर अपनी टूटी फ्रूटी जो मैंने हल्का सा मैदा डाल करके डस्ट कर ली थी वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा सूखा मैदा इसके अंदर डाला हमने और उसको थोड़ा सा डस्ट कर लिया। ऐसा करने से ऐसा होता है कि जो हमारी जो त्रुटी फ्रूटी है वो पूरी की पूरी अंदर नहीं बैठती, नीचे जाके तले में नहीं बैठती, और आप जहाँ जहाँ डालेंगे मतलब अंदर मिक्स पूरे केक में आपको उसका टेस्ट और फ्लेवर आएगा। जहाँ जहाँ हम डाल रहे हैं वहाँ वहाँ सारे में आ रही है। ये हमारा मिश्रण तैयार है और हमारा केक टीम भी तैयार है। ये थोड़ी सी मैंने टूटी फ्रूटी ऊपर से डालने के लिए रोकी थी और कुछ काजू और कुछ बादाम मैं अपने केक टीम में इसको डाल रही हूँ। देखिए जब आप डालते हैं इसको तो इसकी रिबन कंसिस्टेंसी बननी चाहिए, पर कभी भी आप अपने टीम को पूरा फिल मत कीजिए। आपको टिन को हाफ या वन थर्ड तक फिल करना है। इसको डाल देने के बाद हल्के से अच्छे से टैप कर लेंगे। अब ऊपर से अब इसमें टूटी फ्रूटी कुछ बादाम कुछ काजू। डेकोरेशन देखिए आपकी अपनी इच्छा है, ऊपर से आप कुछ जो भी डालना चाहें और अंदर चाहें तो अंदर भी डाल सकते हैं। मेरा ओवन प्रीहीट हो गया है। मैं इसको 160 से 70 डिग्री पर बेक करने के लिए रख रही हूँ 35 से 40 मिनट के लिए। लेकिन 20 मिनट से पहले आप इसको ओटीजी को खोलिएगा मत,